तो दोस्तों आज है 20 मई, आज इलेक्शन का डे। ज्यादातर लोग नाराज दिख रहे हैं आज बीजेपी से। क्यों नाराज लग रहे हैं? क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? जी गुलाम साहब, वोट दिया आपने? वोट नहीं दिया बोला। क्यों? तो लो जी, मैंने अपना वोट दे के अपना हक अदा करके आया। मैंने अपना वोट किसी को नहीं दिया। मैं खुद कमाता हूँ और घर वाले से नहीं मांगता। पढ़ाई नहीं करते हो? कौंसल इलेक्शन में तो बड़ा भीड़ था, आज नहीं है बिल्कुल भीड़। आज नहीं है। वोट दे दिया भाई? वोट हमने नहीं दिया, हमारा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बता दो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा ये लद्दाख MP इलेक्शन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो सुबह हो चुकी है, चलो फिर उठ जाते हैं यहाँ से। और बाहर का व्यू देख लो आप एक बार, क्या सुकून है। लाइट्स ऑफ करो रूम के। तो चलो दोस्तों, तब तक मैं रेडी हो जाता हूँ कपड़े शपड़े पहन के। तो पहले मैं नहा के आता हूँ, रेडी हो के आता हूँ, उसके बाद व्लॉग शुरू करते हैं। पहले नहा के आएंगे हम। लो जी नहा लिया हमने, अब चलो। ना वोट देने नहीं जाना है आज, ना कंबल भी उठाएंगे, कमरा साफ रखना चाहिए ना। तो लो जी रेडी हो चुका हूँ, तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कारगिल लद्दाख। इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब फैमिली ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इस चैनल में आपको पूरा इंडिया देखने को मिलेगा घर बैठे बैठे। तो हाँ जी, मैंने अपना ऑल इंडिया राइड कम्प्लीट करके आज घर पहुंच चुका हूँ। आज मैं 3 महीनों के बाद घर से व्लॉग शूट कर रहा हूँ दोस्तों। 3 महीने लग गए थे ऑल इंडिया राइड कम्प्लीट करने में बाइक पे सोलो। श्रीनगर से कारगिल वाला व्लॉग मैंने अभी अपलोड नहीं किया है, क्योंकि वो बहुत लंबा था, उसको एडिट करने में बहुत टाइम लग रहा था, अभी लैपटॉप में सेव करके रखा है। तो दोस्तों आज है 20 मई, आज इलेक्शन का डे। आज सुबह सुबह उठ के मैं रेडी हो चुका हूँ, क्योंकि आज के दिन का मुझे 5 सालों से इंतजार था, क्योंकि 5 सालों के बाद मैं लद्दाख MP इलेक्शन में फर्स्ट टाइम वोट देने के लिए जा रहा हूँ। तो आप लोग भी वोट देने के लिए जरूर जाना, क्योंकि ये 5 साल के बाद ही आता है ये मौका। तो मैं अभी रेडी हो चुका हूँ दोस्तों, चलो फैमिली के साथ यहाँ से जाएंगे वोट देने के लिए। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक करना वीडियो, कमेंट करना, उससे वीडियो की रीच बढ़ जाती है। तो चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। फिर कभी एक बार देख लो आप लोग, ओह भाई साहब। तो लेट्स मूव दोस्तों, चलो फिर निकलते हैं हम। व्यू को देख लो आप लोग एक बार, सुकून नहीं है। गाड़ी यहाँ पे रखा है, हमारा पुलिंग बूथ वहाँ पे हाई स्कूल में, सबका पुलिंग बूथ वहीं पे हाई स्कूल में, स्कूलों में ही होता है, गवर्नमेंट स्कूलों में। तो चलो वोट दे के आएंगे। एक्चुअली यहाँ पे गाड़ी के अंदर मेरा अपना आधार कार्ड निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे मेरा आधार कार्ड थे, आधार कार्ड दिखाना नहीं होता, पर्सनल होता है। तो गाड़ी को यहीं पे रख के जाएंगे, क्योंकि पास में ही है हमारा इलेक्शन सेंटर। चलो, अपनी गाड़ी को यहाँ पे रखा है और लोड कैरियर को यहाँ पे रखा है। अगर किसी को बुकिंग शुकिंग करवाना है तो DM कर सकते हो, लोड कैरियर भी पड़ा हुआ है अपने पास। ओलेक्स पे निकालूंगा मैं, 2012 मॉडल, अगर किसी को चाहिए तो बता दो, प्राइस ओनली 3 लाख। तो चलो दोस्तों, मैं आपको अपना बाइक दिखाऊँगा आज। तो ये रहा मेरा साथी, इस बाइक पे ऑल इंडिया राइड किया है दोस्तों मैंने, 8000 किलोमीटर कंप्लीट किया इसी रॉयल इनफील्ड हिमालयन पे। पूरा ऑल इंडिया राइड करते करते एक बार भी ये ख़राब नहीं हुआ, एक बार भी इसका टायर पंचर नहीं हुआ। तो ये LA नंबर में है दोस्तों। एक्चुअली मेरे पास अभी 2 बाइक है, एक रॉयल इनफील्ड जो कि मैंने यहाँ से लेके गया था कश्मीर, और कंगन में रख के गया था। और अभी वो लड़का मुझे बोल रहा है 3 महीने तूने मेरे घर में बाइक रखा है, उसका रेंट निकालो। वो बंदा भी सियापे नखरे कर रहा है, वो वाला मसला भी हम सॉल्व कर देंगे दोस्तों। तो चलो अभी इसको वॉश करेंगे, पहले हम वोट दे के आएंगे, उसके बाद अपने बाइक को वॉश करेंगे। ये रहा छानीगुंड, वहाँ पे बड़गांव में दोस्तों, वहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे इलेक्शन सेंटर में पहुँच गए, तो यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है, मोबाइल यहीं पे बाहर रख के जाएंगे हम। हाजी वोट डाल के आए? हाँ जी डाल के आ गया। क्या लगता है कौन जीतेगा? जिसने ज्यादा काम किया है इस कौम के लिए वही जीतेगा। ये हमारे गाँव के सरपंच, यहाँ पे ड्यूटी वाले भी आ गए देख सकते हो। जिनाब डाल के आए, हनीफा जीतेगा। मैंने बीजेपी को भाई, बीजेपी को दिया भाई। हाँ भाई, आप कुछ लोगों से भी हम पूछेंगे वोट हमको, अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हाजी हनीफा को। किटली को रहना जो किटली को, चाय पियो, चाय पियो, चाय। जब हम काउंसिल इलेक्शन के लाए थे तब इतनी ज्यादा भीड़ थी, आज देखो 2 लोग बैठे हैं सिर्फ गेट पे यहाँ पे। हमारा नेता हाजी हनीफा जान साहब। मैंने अपना वोट किसी को नहीं दिया यार, वोट देना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर भी क्यों नहीं दिया? पर हमारे इस्लाम में ये नहीं कहता है कि वोटिंग करो, बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हाजी साहब आज वोट किसको दिया आपने? मेरा बीजेपी, बीजेपी को दिया? जी जी। वोट दे दिया भाई? वोट हमने नहीं दिया, हमारा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। नाम ही नहीं आपका?
चलो ये लेके हम जाएंगे अंदर। तो लो जी, मैंने अपना वोट दे के अपना हक अदा करके आया। मैंने यहाँ के लोगों की बात करूँ तो मैक्सिमम यहाँ पे जो ओल्ड एज के लोग है वो मैक्सिमम यहाँ पे बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया से दूर है और मोटिवेट नहीं है वो लोग। ज्यादा डीपली मैं जाना नहीं चाहता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है 40% यहाँ पे बीजेपी को वोट दे रहे, उसके बाद 60% यहाँ पे हाजी हनीफा को सपोर्ट कर रहे। वो अपना अपना पसंद, हम क्या बोल सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बता दो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा ये लद्दाख एमपी इलेक्शन। तो हाजी साहब वोट दे क्या है? देगा ये जो। किसको दिया आपने वोट? हाजी हनीफा को दे दिया। चलो ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह पाकिस्तान की उम्मीद है सरजमान की कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वोट दे दिया जिसको भी ये अपना महबूब कोई था। इधर हलचल नहीं दिख रही, क्या बात है? आज थोड़ा लोग बिजी हैं। अच्छा, गर्मी में है पर खेती बाड़ी का काम है। कौंसल इलेक्शन में तो बड़ा भीड़ था, आज नहीं है बिल्कुल भीड़। आज नहीं है कौंसल इलेक्शन, ये इधर महरे का है, उसमें तो बहुत सारे है। ये तो थोड़ा डिस्ट्रिक्ट और पूरी दो डिस्ट्रिक्ट का है। आज तो बिल्कुल लोग दिख ही नहीं रहे इधर। अहमद भाई ठीक हो आप? वोट दे के आए? वोट दे के ना, हक है हमारा, हक है, हक अदा करके आए। जारे का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, ये तो यहाँ पे बैठा हुआ है कब से। वोट यूनिटी को दिया, यूनिटी हाथ में लकीर वकीर है नहीं, क्या बोलते हैं ना, क्या करना है, मिटाया वोट देने के लिए। भाई कारगिल से आए दुकान बंद करके, तो पूरा माहौल सुनसान है। इस भाई से थोड़ा पूछेंगे तो भाई वोट दे क्या है हमने? हाँ इरफान भाई अपना वोट करके आ गए हम लोग। वोट अपना दे दिया ये इरफान भाई विकास को। हाँ कि आप देख सकते हैं वो जो मजा चाय में है। हाँ वो किसी चीज में है नहीं। हाँ क्या बात है, समझदार हूँ इसमें क्या बोलना चाहता हूँ। चलो माशाल्लाह अख्तर भाई, फिर भाई वोट दिया? वोट नहीं भाई, अभी मैंने कहा दिया, अभी 18 साल का हुआ नहीं हूँ। 18 साल का नहीं हुआ है? साहिल भाई वोट दिया आपने? अभी छोटे हो, फिर दाढ़ी मूंछ आ गई है जी। गुलाम साहब वोट दिया आपने? वोट नहीं दिया बोला। क्यों क्यों नहीं दिया वोट आपने? वोट देना तो आप कहा के बाबा साहब, आपने वोट नहीं दिया आज? वोट दे के आ गए जनाब, हमारा 4 पॉइंट एजेंडा है। हाँ। लद्दाख का। हाँ। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने वोट डाल के आगे। हाँ सर वोट दे के आया आपने? वोट दे दिया। हाजी साहब आज इलेक्शन के बारे में कुछ कहना चाहते हो? कौन से इलेक्शन के बारे में? एमपी इलेक्शन के बारे में कुछ बोलो आप। हाँ एमपी इलेक्शन के बारे में मैं क्या कहूँगा, ये एक आज़ादाना राय है। अच्छा। हिंदुस्तान की जमहूरियत के अंदर। अच्छा। और वोट हम किसी पार्टी लेवल पर। हाँ। या कोई रिलीजियस लेवल पर। हाँ। या और कोई सिस्टम में हम नहीं देते हैं। अच्छा। हम ग्राउंड लेवल पर जो विकास होता है, काम होता है, उसी काम को वोट देते हैं। अच्छा। हाँ अब जो काम हम ग्राउंड में देखते हैं उसी के लिए हमारा वोट जाता है। खोखले नारे। हाँ। खोखले नारे और मजहबी रंग देकर इस टाइप में हम कोई वोट नहीं देते, हम विकास को देते हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा एमपी इलेक्शन? जीतने का तो जिसने अच्छा काम किया होगा वही जीतेगा। अच्छा। जिसने विकास किया होगा, लोगों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाया होगा, रोड बनाया होगा, टनल बनाया होगा। हाँ। जिसने काम नहीं करके ऐसे ही नारे देगा वो कहाँ जीतेगा? वो बात सही है। हाँ? समझ में आ गया ना। हाँ। फिर भी आपके हिसाब से कौन जीतेगा इन तीनों में से? इन तीनों में से फिलहाल ही तो हाजी हनीफा जान को ज्यादा चांसेस है, क्योंकि एक कोलिशन है कारगिल के अंदर। हाँ। इसी का ज्यादा रुझान है, लेह में 2 कैंडिडेट हैं। हाँ। तो मेरे हिसाब से तो यही जीतना चाहिए हाजी साहब कोलिशन के हिसाब से। बाकी काम में देखेगा तो बीजेपी को ये मिलता है क्रेडिट। अच्छा। क्योंकि उन्होंने बहुत खिते लद्दाख के लिए जबरदस्त काम किया है। अच्छा। उन्होंने टनलें बनाया है। हाँ। इन्होंने रोड बनाया है। इन्होंने कनेक्टिविटी बनाया है। इन्होंने टावर का जाल बिछाया है। फिर कारगिल के लोग इतने नाराज क्यों है बीजेपी से अभी? कारगिल के लोग? हाँ। कारगिल के लोग अभी किसी पार्टी को खुश होकर वोट नहीं दे रहे ना, कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे ना। कांग्रेस को भी इन्होंने रिजेक्ट किया। अच्छा। एनसी को भी रिजेक्ट किया। हाँ। सिर्फ इन्होंने अपना कारगिल के विकार को बचाने के लिए अपना एक आजाद कैंडिडेट को दिया है। अच्छा। हाँ तो यही वजह है कि कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं कर रहे हैं कारगिल वाले। ज्यादातर लोग नाराज दिख रहे हैं आज बीजेपी से। बीजेपी ने इतना काम किया है तो फिर भी लोग नाराज क्यों होते हैं? गरीबों को देखो मुफ्त राशन है। हाँ। इलाज के लिए मुफ्त 5 लाख पैसा है। हाँ। अच्छा भाई इधर रोड का देखेंगे तो 4-way हर साइड को रास्ता बन रहा है। हाँ। टनलें बन रही है। हाँ। जम्मू से श्रीनगर तक 13 टनल है, एक वक्त में सिर्फ 1 टनल थी। हाँ। आज 13 टनल से हम गुजर के निकलते हैं। हाँ। और जोजिला टनल के लिए हम बरसों से 50 साल से नारे लगाते आ रहे थे, खोखले नारे।
और यही यकीन दहानी करा रहे थे कांग्रेस एनसी की टनल बनाएंगे, कभी बना नहीं सके 50 साल में। इन्होंने अपने इसी 6-7 साल के अंदर अंदर में टनल बनाया, फिर भी लोग नाराज होने का क्या मानी रखता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू इरफान साहब। वोट दिया आपने आज? दिया। वोट दे क्या है? तो सर आपने वोट दिया आज? नहीं दिया। क्यों? किसी को भी नहीं। आज भाई का नाम ही नहीं है लिस्ट में, इसीलिए ना वोट दिया नहीं है। वोट दिया नहीं किसी को। भाई का नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में। भाई वोट दे क्या है आपने? दे क्या है भाई? दे क्या है? दे क्या है? किसको दिया चन्ना वो कीमती वोट आपने? हमने इटली को दिया भाई, अपने पार्टी का बंदा है भाई। पार्टी का बंदा है इसीलिए दे दिया। भाई आपने दुकान क्यों लगाया? क्यों? मैं खुद कमाता हूँ और घर वाले से नहीं मांगता। अच्छा इसीलिए खुद कमाते हो, पढ़ाई नहीं करते हो? करता हूँ। अच्छा पढ़ाई भी करते हो, दुकान भी लगाए साथ में। हाँ। आज दुकान लगा के कितने साल हो गए? 1 साल हो गए। 1 साल हो गए। हाँ। दिन में कितना कमाते हो? 2000 तक कमाते हो दिन में? हाँ। जी अब्बास आज वोट दिया आपने? जी हाँ। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? हाजी हनीफा। हाजी हनीफा जीतेगा। हाँ। चलो दोस्तों अभी फिलहाल यहाँ पे घर में पहुँच चुका हूँ, अंदर जाके व्लॉग एंड करते हम। व्यू कैसा लगा आपको? भाई साहब सुकून है यार जगह में। तो लो जी अभी मैं रूम पे पहुंच चुका हूँ। आज के व्लॉग पे इतना ही था। वोट दे क्या है हमने? आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। तो हम मिलते हैं कल वाले व्लॉग पे, और आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे बता देना कौन जीतेगा इस साल। तो आप लोग कल वाला व्लॉग मिस मत करना दोस्तों, क्योंकि हम श्रीनगर से कारगिल बाइक पे ट्रेवल करते हैं। बहुत मजा आने वाला है आपको जोजिला का वीडियो देखने के लिए। तो कल वाला वीडियो जरूर देख लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना, आप सबको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो कल वाला व्लॉग मिस मत कर। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक कमेंट करके जाना। जब आप लोग कमेंट करते हो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ दूसरा व्लॉग बनाने के लिए। तो इस वीडियो में 100 कमेंट्स कम्प्लीट करना और 1K likes का टारगेट रखा है, आप लोग करवा देना। तो मिलते हैं हम कल वाले व्लॉग पे, तब तक अपना ख्याल रखना। कल वाला व्लॉग बहुत मजेदार होने वाला है, तो दिल थाम के बैठिए कल वाले व्लॉग के लिए। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, वस्सलाम अलैकुम। और यहाँ पे जो नीचे कुछ व्लॉग्स आएंगे वो भी देख के जाना दोस्तों।